आज राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के माध्यम से राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियों में कार्यरत तकनीकी कर्मचारियों के ऊपर जो केपीआई का आदेश जो लागू किया जा रहा है जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि राजस्थान की पांचों बिजली कंपनियों के जो कर्मचारी हैं वो फैक्ट्री एक्ट के दायरे में आते हैं, और जो कर्मचारी फैक्ट्री एक्ट के दायरे में आता है उसके ऊपर केपीआई, एसीआर या एपीआर लागू नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ 2015 के स्ट्राइक में जो टेक्निकल कर्मचारी स्ट्राइक में शामिल थे उनके खिलाफ़ जो अनुशासनात्मक कार्रवाइयाँ पूर्व सरकार के द्वारा जो की गई हैं, उसके अलावा जो मुकदमे दर्ज हैं उन्हें विड्रॉ करवाए जाएं। साथ ही साथ हमारे जो 2400 ग्रेड पे के जो आदेश हैं वो अभी तक लंबित हैं। सर्किल लेवल पे कमेटियां बना दी गई है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को प्रमोशन नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान हो रहा है। यदि 30 दिन के अंदर इन मांगों के ऊपर सरकार के द्वारा या निगम प्रशासन के द्वारा अगर वार्ता नहीं होती है, वार्ता होकर के अगर इसका समाधान नहीं निकलता है, तो हमें मजबूर होकर के और पूरे राजस्थान के कर्मचारी एक उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके लिए पूर्ण रूप से राज्य सरकार और निगम प्रशासन जिम्मेदार होगा। पृथ्वीराज गुजर, प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन। जी, राजस्थान के 3300 जिलों में हमारे जो सर्किल ऑफिस हैं उन पे सभी जगह पे हमारे द्वारा एक दिवसीय धरना रखा गया है। उसमें सभी एसीज को एमडी साहब के और चेयरमैन साहब के नाम ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारे जो 2015 में हड़ताल में जो कर्मचारी प्रभावित हुए थे उनकी FIR और जो अभी निगम के द्वारा एक तानाशाही पूर्व जो KPI लगाया जा रहा है उसके खिलाफ हमने आज एक दिवसीय धरना रखा है। आपका नाम बताएं। शंकरलाल सैनी, प्रदेश महामंत्री, आरवट का।